रुचि वीरा सहित 5 लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। रुचि वीरा पर 14 अप्रैल की दोपहर गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में जनसभा के दौरान पुलिस अधिकारियों को धमकाने और भाजपा का एजेंट बताने का है आरोप। मुगलपुरा थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर किया है मुकदमा दर्ज। धारा 186, 188, 189, 147, 506 और 353 के तहत किया गया है मुकदमा दर्ज। पुलिस व्यवस्था और बैरिकेडिंग तोड़ना, सरकारी काम में बाधा, पुलिस को लेकर भड़काऊ भाषण देना, भाजपा का एजेंट बताने के मामले में हुआ है मुकदमा दर्ज। गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा, शाने अली सानू, बाबर खान, मोहम्मद गनी, जयवीर यादव सहित कुल 5 लोगों पर हुआ है मुकदमा दर्ज। सर, मुगलपुरा थाना क्षेत्र में 14 सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा तथ्य? 14 तारीख को मुगलपुरा थाने में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो कि मौसम खराब होने की वजह से अधूरा रह गया, वो नहीं आ पाए। वहाँ पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के द्वारा पुलिस को धमकाने वाली बातें कही गई, औकात में रहने इत्यादि की बातें कही गई, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन था, और उसी के क्रम में उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। यहाँ से नोटिस भी जारी किया गया था, जो हमारे पास फुटेज आए थे उसमें स्पष्ट था कि उन्होंने पुलिस वालों को धमकी दी है, जो कि MCC का उल्लंघन था।